दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं और आप लोगों को ये जानना जरूरी है, जी हाँ, कि इंडिया का और चाइना का जिस तरह का स्टैंड अप चल रहा है और जो हिंसक झड़पें भी हुई है और 10 से इंडिया के 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं, और ये अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ने, अमेरिका के, हम इंडियन न्यूज़पेपर को कोट नहीं कर रहे हैं, 35 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया गया है, ठीक है। लेकिन हम और कभी भी युद्ध की स्थिति हो सकती है दोनों देशों के बीच, हालांकि बातचीत चल रही है, अभी उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, जी हाँ। और जब तक चाइना अपने टेरिटरी के अंदर नहीं चला जाता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर नहीं चला जाता, तब तक कुछ भी हो सकता है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, अगर इंडिया चाइना के साथ, आई होप ये ऐसी स्थिति, युद्ध की स्थिति ना बने, लेकिन चूंकि झड़पें हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, तो कुछ भी संभव है। अगर इंडिया और चाइना के बीच युद्ध की स्थिति बनती है, जो कि ऑलरेडी है, और अगर युद्ध हो जाता है, तो पाकिस्तान किसका साइड लेगा? जी हाँ, पाकिस्तान किसका साइड लेगा? और मैं आपको सिर्फ 3-4 मुद्दे के बारे में समझाऊंगा, एक बताऊंगा। ये सब समझने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है, पाकिस्तान और चाइना का दोस्ती का आधार क्या है? सिर्फ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये आधार नहीं है, कुछ और आधार है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरा बताऊंगा कि पाकिस्तान अब स्वतंत्र कंट्री नहीं रहा है, जी हाँ, पाकिस्तान आप एक सबॉर्डिनेट स्टेट है चाइना का। पाकिस्तान चाइना का गुलाम है, जी हाँ, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अमेरिका के न्यूज एजेंसी, न्यूज आउटलेट CNN ने यह बात बोली है कि इंडिया, लोग बोल इससे पहले लोग अंदाजा लगा रहे थे कि चाइना इंडिया से शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल छापा है अपने न्यूज़पेपर में, उसमें उन्होंने एक बात बोली है कि लोग बोल रहे हैं कि चाइना इंडिया से मजबूत है, ये सही नहीं है। और उस आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया में बिंदवा, इंडिया युद्ध जीत सकता है, जी हाँ, चाइना से, और वो भी अकेले अपने बलबूते, ठीक है। अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली सबसे पहले आप जानिए पाकिस्तान और चाइना का दोस्ती का आधार क्या है। 1962 के युद्ध के पहले तक चाइना और पाकिस्तान में कोई दोस्ती नहीं हुआ करती थी, जी हाँ, लेकिन चूंकि 1962 के युद्ध में इंडिया हार गया चाइना से, जिस भी कारण से, वो कारण अलग थे, हार गया, और POK में इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, क्योंकि POK का कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास था, और पाकिस्तान ने क्या चाहा, जैसे गांवों में क्या होता है, आप सुनिए, उदाहरण देता हूं, गांवों में क्या होता है। पहले जब मैं बच्चा था, तब के जमाने के बात बोलता हूँ, अब हालांकि कुछ सिचुएशन बदली है, लोग जागरूक हुए हैं, कि अगर दो आदमी के बीच लड़ाई होता था, एक आदमी जो कमजोर होता था वो क्या करता था, उसके पक्ष में गांव के कुछ शक्तिशाली लोग आ जाते थे और वो बोलते थे कि अब कुछ पार्ट, मान लो कहीं जमीन का लड़ाई है, इधर का लड़ाई है, तो वो बोलेंगे कुछ हमें दे दो, कुछ हमें भी इससे बेनिफिट चाहिए, तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। चूंकि ये कमजोर था, ये बोला ठीक है तुम कुछ ले लो, अब हमको सपोर्ट करना। और जो मजबूत, जो गांव के शक्तिशाली आदमी आते थे, लठैत आते थे, वो क्या करते थे, बाद में इसको रिप्लेस कर देते थे, लड़ाई वो लठैतों और इनके बीच हो जाता था। ठीक उसी, वही सिचुएशन, उसी तरह का सिचुएशन बना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ। 1962 के युद्ध में इंडिया हार गया, जब इंडिया हार गया तो पाकिस्तान ने क्या देखा, अपॉर्चुनिटी देखी कि POK इंडिया हमसे कभी जीते ना, POK इंडिया कभी हमसे जीत ना ले। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लगभग 5,184 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया, जी हाँ, उसको हम लोग चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, उसको गिफ्ट कर दिया चाइना को। और चाइना के साथ ये तुरंत हुआ, 1963 में ही चाइना के साथ समझौता हुआ पाकिस्तान को, और किसके बीच हुआ, मिलिट्री लीडर, मिलिट्री बोल रहा हूँ, मिलिट्री लीडर जनरल अयूब खान के बीच। मिलिट्री का क्या रोल होता है, मिलिट्री का रोल होता है अपने जमीन के एक सुई के नोक के भी रक्षा करना, सुई की नोक के बराबर भी अगर देश की जमीन है तो उसके आर्मी रक्षा करता है। लेकिन उसका आर्मी ने क्या किया, डर से 51
184 किलोमीटर जमीन दे दिया, जो कि एक मिलिट्री नहीं करती है। तो इससे प्रूव होता है पाकिस्तान की मिलिट्री अनप्रोफेशनल आर्मी है। अभी देखिए हमारी मिलिट्री थोड़ी सी जमीन के लिए, क्योंकि वो हमारा जमीन है, भी शहादत दे चुकी है और चाइना जैसे कंट्री के साथ भी मुंहतोड़ जवाब बेफिटिंग रिप्लाई दे रही है, अपने शहादत भी दे रही है उसके चक्कर में। शहादत मार भी रही है तो कुछ शहादत हो भी जा रही है, युद्ध में तो होता है। ठीक है, ये हुआ। मैं बोला उसकी दोस्ती कैसे बना। अब ये दोस्ती क्या, इसी के बहाने पाकिस्तान ने क्या किया 1965 के में, क्या सोचा कि चूंकि इंडिया हार गया है चाइना के साथ, हम भी और अमेरिका के द्वारा कुछ इक्विपमेंट मिले थे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि हम भी इंडिया को हरा देंगे और चाइना तो हमको सपोर्ट करेगा। लेकिन 1965 का युद्ध हो गया, चाइना तो दिया नहीं साथ। चाइना पहले बोला लड़ जाओ, लेकिन चाइना बाद में आया ही नहीं, हम सपोर्ट करेंगे तुमको, बाद में चाइना सपोर्ट ही नहीं किया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सपोर्ट ही नहीं किया। तो पाकिस्तान को गहरा धक्का लगा। और जो पाकिस्तान बोलता है कि हमारी दोस्ती शहद से ज्यादा मीठी है, आसमान से ज्यादा ऊंची है चाइना के साथ, 1971 में चाइना पाकिस्तान को बढ़ते देखा और पाकिस्तानी लोग टुकुर टुकुर करके देख रहे थे, आसरा लगाए बैठे थे कि जो हमको मदद करेगा। ना तो अमेरिका मदद किया, ना उनका ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान मदद किया और उनका देश दो भागों में बट गया। जी हाँ, तो मेरा बोलने का आशय ये हुआ कि जब भी पाकिस्तान को नीड हुआ है, अमेरिका चाइना ने पाकिस्तान को कभी भी हेल्प नहीं किया है युद्ध के समय में, एक्सेप्ट फायदा उठाने के लिए। एक बात तो वहां आई। अब आइए इंडियन पर्सपेक्टिव में। दूसरी चीज मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान चाइना का सबॉर्डिनेट स्टेट है, गुलाम स्टेट है, एक जैसा अदर पार्ट है स्टेट है वैसा ये है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। अब मैं इसके पीछे आपको तर्क देता हूं कि पाकिस्तान चाइना ने क्या किया है। पाकिस्तान को लगभग $62 बिलियन का सीपेक प्रोजेक्ट दिया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $62 बिलियन का। और पाकिस्तान के पास अभी $5 बिलियन नहीं है, उसका फॉरेन रिजर्व अभी $10-11 बिलियन है, उसमें से बहुत सारा उसके पास है। बाहर वाले कंट्री पैसा रखे हैं आके उनके फॉरेन रिजर्व में, बैंकों में आके। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो यह हालत है उसकी, $62 बिलियन वो कैसे चुकाएगा, अब उसके पास पैसा है ही नहीं। तो वो चाइनीज लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान के न्यूज एंकर ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि चाइनीज ने कुत्ते खाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में, रोड पे कुत्ते नहीं मिल रहे हैं, वो कुत्ता चाइना खा जा रहा है, चाइनीज लोग खा जा रहे हैं, चाइनीज की अलग बस्तियां बन रही है। वहां के पुलिस वाले को चाइनीज लोग बुझते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा गुलाम स्टेट है। और यहां तक कि पाकिस्तान जो कट्टरपंथी मुल्क है, वहां की लड़कियों को भी वो लोग शादी करने के लिए ले जाता है और ले जाकर वहां वेश्यालय में घसीट देता है, फेंक देता है। ये 1,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ किया जा चुका है, ये तो जग जा ही रहे। तो चाइना पाकिस्तान के हर एक स्ट्रक्चर पे वार कर रहा है, पाकिस्तानी समझ रहे हैं या उनके पास मजबूरी, अब कोई उपाय ही नहीं है, चाइना के जाल में फंस चुके हैं। ये सारी चीजें मैं यहां बोला। अब मैं बोलता हूं कि अगर इंडिया चाइना के बीच युद्ध हो गया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। पहला बात तो यह है कि पाकिस्तान भरकस कोशिश करेगा कि हम चाइना को सपोर्ट करें। पाकिस्तान एक टू फ्रंट खोल सकता है, एक फ्रंट खोल सकता है और इंडिया टू फ्रंट वार में उलझ सकता है। जी हाँ, और हमारी मिलिट्री इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर है। जी हाँ, 2018 में हमारी वायुसेना ने यह जांचना चाहा कि चूंकि हमारी वायुसेना थोड़ी कमजोर है हमारे आर्मी के मुकाबले, नहीं कहता पाकिस्तान के मुकाबले, हमारी आर्मी जितनी मजबूत है उससे थोड़ी सी कमजोर है, ये सच्चाई है, क्योंकि पिछले वाले गवर्नमेंट ने 10 साल में एक भी फाइटर प्लेन नहीं खरीदा ना बनाया। लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, तो 2018 में क्या है कि हमारे पास जो अवेलेबल है, जो पावर अवेलेबल है, जो भी अपग्रेडेशन करना था करके, हाँ, और जो हमारे पास पावर अवेलेबल है, Su-30 विश्व का एक सर्वोत्तम फाइटर प्लेन में से एक है जो हमारे पास है, और लगभग 275 की संख्या में है। जी हाँ, और MiG-29 हमारे पास अभी है, जो है मैं वो बोल रहा हूं, और MiG-21 भी है, Mirage-2000 भी है जिन्होंने बालाकोट की स्ट्राइक किया, और जगुआर है, ये सारे हमारे अभी के फाइटर प्लेन हैं जो हमारे पास हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि टू फ्रंट वार के लिए हमारे वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया और सक्सेसफुली युद्धाभ्यास किया, और मिड एयर रिफ्यूलिंग किया गया, मतलब अगर हमारे विमान को ज्यादा दूर तक उड़ना पड़े तो उसको हवा में ईंधन भरने के लिए
इंडिया मिड एयर रिफिलिंग भी किया, और हमारे टू स्क्वाडन जिसको हमने अपने से बनाया है तेजस, उसको इंडिया में शामिल किया जा चुका है। जी हाँ, अभी जो हम लोग बोले थे कि जो पाकिस्तान वहाँ से खरीदा गया है फ्रांस से राफेल, वो अभी आया है नहीं पूरी तरीके से, तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ। और हमने उसका सक्सेसफुली एयर सपोर्ट, अगर जरूरत पड़े तो टू फ्रंट वार में एयर सपोर्ट हमारे एयरफोर्स दे सकती है, हमारे मिलिट्री को, और कैपेबल है। और पाकिस्तान अगर सपोर्ट कर दिया तब क्या होगा, मैं ये बात बोलता हूँ। पाकिस्तान पहले तो जिस तरह उसका खस्ता हाल है, वो सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन हाई चांसेस है वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, लेकिन मिलिट्री उसको झोंक देगी युद्ध में। और झोंक देगी तो पाकिस्तान क्या किसके लिए आएगी, इंडिया का कश्मीर लेने के चक्कर में आएगी। लेकिन कश्मीर लेने के चक्कर में बलूचिस्तान पाकिस्तान में आज़ाद हो जाएगा, सिंध आज़ाद हो जाएगा, पख्तूनिस्तान बन जाएगा, और पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। तो पाकिस्तान की हालत हो जाएगी, ना खुदा मिला, ना विशाले सनम, ना यहाँ के रहे, ना वहाँ के रहे, क्योंकि उसके अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही खत्म है। ऊपर से बलूचिस्तान वाले तो सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को। जी हाँ, तो ये सारे हरकतें होने वाली है अगर युद्ध हुआ तो। पाकिस्तान पूरा सपोर्ट करने, भले चाइना कभी सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान टूटते रहा, चाइना सपोर्ट नहीं किया, आंख लगाए टुक टुक करके देख रहे थे, लेकिन नहीं किया। पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा। इंडिया दोनों फ्रंट पे लड़ने के लिए सक्षम है, सक्षम है, हम सक्षम है। और तब क्या होगा, जब पाकिस्तान और चाइना इंडिया के खिलाफ लड़ रहे होंगे, तो अमेरिका इंडिया को सारा सपोर्ट देगा, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस सपोर्ट्स, और जो उसके युद्ध के फॉर्मेशन होंगे, जहां जहां मेन चोक पॉइंट होंगे उसका इंफॉर्मेशन, और समय पड़ने पे इंडिया को युद्ध की सामग्री भी देगा। और हो सकता है इंडियन ओशियन में और सारे जगहों पे अपना शिप्स लगा के वो हमला भी कर सकता है। वो तो बाद की लेटर स्टेज की बात है, पहले की स्टेज में है कि इंडिया को पूरा सपोर्ट देगा। वो क्यों करेगा, और तन मन धन से देगा, सामान के साथ सब कुछ देगा, और वो समय आने पे वो शामिल भी हो सकता है। मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो अमेरिका है वो इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सशक्त चाइना अमेरिका के लिए खतरा है, और चाइना का पंख काटने का यही समय आएगा, इसलिए अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा। और रहा बात रसिया का, तो रसिया कभी भी इंडिया को सपोर्ट, इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर चाइना और इंडिया में चुनने का आया, युद्ध हो रहा है, तो रसिया रीस्टेन करेगा, किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अभी भी उसके 70% से ज़्यादा इक्विपमेंट हमारे पास है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, और पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा, ठीक है, पाकिस्तान कंट्री के रूप में रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। उसके पीछे मैं आपको सारी चीजें बताया हूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था खत्म है। युद्ध, कोई भूखे नंगा कितना दिन तक युद्ध लड़ेगा, 1-2 दिन लड़ेगा, उसका उधर अलग विद्रोह शुरू हो जाएगा, वो दबाने जाएगा, इंडिया चढ़ दौड़ेगा। और चूंकि जो सियाचिन वाला पार्ट है वहां पे इंडिया बैठा हुआ है, और पाकिस्तान और चाइनीज मिलिट्री एक साथ नहीं है। जी हाँ, वहां पे हमने डिवाइड करके रखा है, तो दोनों मिलिट्री मिल भी नहीं सकते, हमने अलग करके रखा है। और अमेरिका के सीएनएन ने एक रिपोर्ट छापा है, उसमें बोला है कि हिमालयन रीजियन में इंडिया चाइना से अच्छे पोजीशन पे है। जी हाँ, अच्छे पोजीशन पे है। वहाँ इंडिया की लगभग 2,50,000 ट्रूप्स हैं, और चाइना के लगभग 2 लाख से 2,30,000 ट्रूप्स हैं। वो भी ज़्यादातर ट्रूप्स तिब्बत में, जो वो हो चुका है तिब्बत में जो विद्रोह होता है उसके दबाने के लिए है, और रसिया के बॉर्डर के लिए है। जी हाँ, और चाइना ने अभी जो डेवलपमेंट किया है वो अपने साउथ रीजियन के लिए किया है, वो अमेरिका के लिए किया है, ठीक है। और इंडियन मिसाइल भी बेस्ट है, ऐसा बात है नहीं। और पाकिस्तान अगर सपोर्ट करने आया, मेरा मुद्दा वही था, तो सीएनएन ने ये उस आर्टिकल में आप जाके पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं बेसिक बातें बता देता हूँ, उस आर्टिकल में ये बोला है कि इंडिया स्ट्रॉन्गर है चाइना से उस एरियाज में, ठीक है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ, हालांकि मेरे से जीडीपी ज़्यादा उन्होंने मेंशन किया, लेकिन युद्ध अगर 10, अब युद्ध कोई लंबा नहीं चलने वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध जैसा युद्ध 10-15 दिन में कंक्लूड हो जाएगा। इंडिया उतने दिन के लिए कैपेबल है दोनों के अच्छी तरह से सबक सिखाने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि इंडिया वेस्टर्न कंट्री के साथ एक्सरसाइज करता है, फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, तो क्या है, हम उसके जो टैक्टिस होते हैं लड़ने का वेस्टर्न कंट्री के, वो सारे टैक्टिस जानते हैं। रशिया किसके चाइना किसके साथ करता है, एक पाकिस्तान के साथ करता है, एक रशिया के साथ करता है ज़्यादातर।
तो पाकिस्तान को तो पता ही है कितनी अच्छी मिलिट्री है। और रहा बात रसिया की, इधर से होना शुरू है, अगर रसिया अपना बेस्ट देता है ना देता है तो वो जाने, लेकिन इंडिया और इंडियन बहुत युद्ध लड़ चुके हैं, इंडियन आर्मी बहुत युद्ध लड़ चुका है हाल फिलहाल में, वो भी हाई माउंटेन रेंज पे युद्ध लड़ चुका है, हाई अल्टीट्यूड पे, और जीत चुका है। तो एक्सपीरियंस इंडिया के पास ज्यादा है, चाइना के पास एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट युद्ध चाइना 1979 में वियतनाम से लड़ा, जी हाँ, लास्ट युद्ध चाइना 1979 में वियतनाम से लड़ा, चूंकि वियतनाम के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, जी हाँ, वियतनाम के पास एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा था, जिन्होंने अमेरिका को हराया था, वही सेना। और चाइना तो कभी खुल के कबूल नहीं करता, लेकिन ये जग जाहिर है कि उसमें चाइना की डिफीट हुई थी, जिस मकसद से चाइना ने उस पर अटैक किया था वो मकसद कामयाब नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, थैंक यू।